शादी हुए नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह की शादी को हुए 15 दिन का वक्त गुजर चुका है और इस बीच खबर आ रही है नेहा कक्कड़ की हुई बुरी हालत को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि शादी के 15 दिन बाद नेहा कक्कड़ की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर हाल ही में 24 अक्टूबर को हुई शादी नेहा कक्कड़ की और उसके बाद 4 नवंबर को नेहा ने रखा अपने रोहन के लिए करवा चौथ का व्रत। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस बीच नेहा कक्कड़ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि नेहा कक्कड़ जो अपनी शादी के 4 से 5 दिन का फंक्शन अटेंड कर मुंबई लौटी थी और उसके बाद उन्होंने करवा चौथ के सेलिब्रेशन में बिजी हो गई और अब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रही है, जहां पर सिर्फ नेहा नहीं बल्कि रोहन भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर पूरे फोकस्ड हैं। इस बीच खबर आ रही है कि शादी के 15 दिन बाद नेहा कक्कड़ काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है और उन्होंने कुछ दिनों के लिए रेस्ट लिया है, जहां पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है और कहा है कि वो कुछ दिन सिर्फ रेस्ट करना चाहती है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, ताकि वो अपनी फैमिली को टाइम दे सके और रोहन और नेहा को भी एक दूसरे को समझने का करीब से और मौका मिल सके। जी हाँ, क्योंकि कुछ दिन बाद जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तो नेहा और रोहन प्रीत वापस से अपने काम पर लग जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी कम वक्त होगा रोहन और नेहा को एक दूसरे को देने का। इसीलिए नेहा 15 दिन बाद काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है और अब वो सिर्फ रेस्ट चाहती है, खुद के लिए टाइम चाहती है और इसीलिए उन्होंने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन कर दिया है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।